हेलो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला भारत ने जीत के साथ दर्ज कर लिया है। दोस्तों आपको बताएंगे भारत की प्लेइंग कैसे रही और श्रीलंका की प्लेइंग क्या रही। दोस्तों भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, भारत के विकेट पर विकेट गिर रहे थे। ईशान किशन मात्र 37 रन बनाकर आज आउट हो गए थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या भी आज कुछ कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों आपको बता दें कि दीपक हुड्डा के 41 रन और अक्षर पटेल के 37 रनों के बलबूते पर ही टीम इंडिया ने 162 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसको पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम मात्र 160 रन पर ही निपट गई थी। दोस्तों दानुश सना का 27 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए। वहीं उमरान ने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 2 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 162 रन बनाए थे। इस टारगेट के जवाब में मेहमान टीम श्रीलंका ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी। 2 रनों से मैच जीत के बाद भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि यह मैच भारत के क्रिकेट इतिहास में याद भी रखा जाएगा, क्योंकि शिवम मामी ने अपना पहले ही डेब्यू T20 में 4 विकेट चटकाकर एक इतिहास दर्ज कर लिया है। दोस्तों शिवम मामी ने अपना पहले ही T20 का डेब्यू करते हुए ऐसा तूफान बरपा किया कि लंकाई टीम घबरा गई और 4 विकेट गंवा बैठी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले T20 मुकाबलों में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहेगा? अपनी प्यारी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अब आपको बताएंगे दोस्तों भारत की संभावित प्लेइंग 11 दूसरे T20 के लिए क्या रहेगी। दोस्तों ईशान किशन, शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या कप्तान हैं, और दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, और दोस्तों 11 नंबर पर ही युजवेंद्र चहल। दोस्तों दूसरे T20 में ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या युजवेंद्र की जगह अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हैं।